ये आकाशवाणी है। आज हम आपको एक ऐसा नाटक सुनवाने जा रहे हैं जो हमारी संस्कृति, परंपरा और स्मृति से जुड़ा एक अमर आख्यान है। बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा, ये बात आपने भी कई बार सुनी होगी। आज प्रस्तुत है राधे श्याम कथावाचक का लिखा संगीत नाटक श्रवण कुमार। निर्देशक हैं पारसी रंगमंच के सशक्त हस्ताक्षर सोराब जी डी कोरावाला। तो आइए सुनते हैं 50 के दशक में तैयार किया गया यह संगीत नाटक श्रवण कुमार। आज सुनते हैं इस नाटक की पहली कड़ी। की बात है, जाओ जाओ उन्हें सम्मान पूर्वक ले आओ। जो आज्ञा। आज का दिन धन्य है जो श्रवण देव इस राजसभा में पधारते हैं। माता गौरी का रूप है, पिता शंकर
रूप है, माता गौरी का रूप है, पिता शंकर स्वरूप है, गावे वेद पुराण, गावे वेद पुराण, यही है इस सेवक का ध्यान, यही है इस सेवक का ध्यान। पहला प्रणाम करता हूँ मैं श्री पिता और श्री माता को, फिर अपनी जननी जन्मभूमि पृथ्वी को और विधाता को। तीसरा प्रणाम कर रहा हूँ मैं श्री वशिष्ठ से गुरु ज्ञाता को, और चौथा प्रणाम करता हूँ मैं दशरथ से नृप सुखदाता को। धन्य घड़ी और धन्य दिन आए श्रवण कुमार, कहिए क्या अभिलाष है दशरथ तैयार? निस्संदेह जीव तारों में चंद्रमा, जल में सुरसरी धार, पुत्र रत्न में एक है त्यों ही श्रवण कुमार। कहो पुत्र क्या प्रयोजन है, किस कारण आना हुआ है? गुरुदेव, मेरे माता पिता का अंधापन ही मेरी असीम चिंता का कारण है। बादल मेरे सर पर घिरे दुख और बला के, खुल जाए मगर नेत्र मेरे मात पिता के, बतला के कोई औषधि रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नयन दो। पुत्र तुम अपने मात पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? जानता नहीं गुरुदेव, जानना चाहता हूँ। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे मात पिता के पुत्र नहीं होता था, उन्होंने पुत्र के लिए नैभिषारण तीर्थ में जाकर जब अनेकानेक तप किए, तब श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर कहा कि जब तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होगा तब तुम अंधे हो जाओगे, ये शर्त तुम स्वीकार करो तो हम पुत्र देने को तैयार हैं। दंपति ने अंधे होने की बात स्वीकार करके पुत्र प्राप्ति का वरदान मांग लिया, उसी वरदान के प्रभाव से तुम्हारा जन्म हुआ है। आहा, धन्य है धन्य है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अपने माता पिता का कितना ऋणी हूँ। अहो कितनी उदारता, कितनी ममता, जिह्वा न जो नाम जपे उनका तो जिह्वा खींच निकारूं मैं, यह हाथ न दास बने उनके तो काट इन्हें मही डारूं मैं, जो शीश न उन चरणों में झुके तो धड़ से शीश उतारूं मैं, यह नयन दिए जिन नयनों ने, यह नयन उन्हीं पर वारूं मैं। धन्य बेटा, आगे आओ, तुम्हारे मात पिता के अच्छे होने का योग हम बताते हैं। प्रयाग, काशी, बद्रिका आश्रम आदि आदि तीर्थों की यात्रा करने पर तुम्हारे मात पिता का अंधापन जाएगा, परमात्मा की कृपा से उनके नेत्रों में दिव्य तेज आएगा, तज देते हैं गरुड़ जो भक्तों के वास्ते, आंखें भी वही देंगे अंधों के वास्ते। धन्य धन्य गुरुदेव की कृपा से निराशा में आशा की झलक मिली। माता और पिता को जाकर यह संवाद सुनाऊंगा, पुत्र तभी कहलाऊंगा जब उनको तीर्थ कराऊंगा। परंतु अंधे मात पिता को समस्त तीर्थ कैसे करा सकोगे? बड़े बड़े गहन गंभीर वनों में, महान पर्वतों की कंदराओं में, व्याल व्याघ्र वाली भयानक राहों में किस प्रकार ले जा सकोगे? परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से उत्तम पवित्र काष्ठ की कांवर बनाऊंगा, ठाकुर की तरह उनको मैं उसमें बिठाऊंगा, श्रद्धा के साथ फिर मैं वह कांवर उठाऊंगा, कंधे पे भार धर्म का अपने चढ़ाऊंगा, मालिक है वही, उनके ही आधार है बेड़ा, बल है जो मेरी भक्ति में तो पार है बेड़ा। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति को धन्य है। पितृदेवा जय जय मातृ पितृदेवा, शक्ति ब्रह्म तुम दोनों, शक्ति ब्रह्म तुम दोनों, स्वीकारो सेवा।
जय सगुण ब्रह्म स्वरूप माता पिता की जय। धन्य है श्रवण कुमार की सेवा और विद्या देवी की भक्ति देखकर मेरा हृदय बड़ा आनंदित होता है। बेटे और बेटी तुम दोनों चिरंजीव रहो। बेटी विद्या, तेरा चारित्र भी संसार की स्त्रियों के लिए आदर्श है। वैसे तो संसार में दुष्टर है सब कर्म, किंतु कठिन से भी कठिन है नारी का धर्म। बेटा श्रवण, गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की औषधि लाया, उन्होंने क्या उपाय बताया? बताया उन्होंने कि उद्धार होगा, कृपा से जनार्दन की निस्तार होगा। कराओ उन्हें पर्यटन तीर्थों का, तुम्हारा यह बेड़ा तभी पार होगा। उपाय तो ठीक है, परंतु पूरा कैसे होगा? हम दोनों वृद्ध और अंधे कैसे घर से निकल सकेंगे, तीर्थ यात्रा में क्यों कर चल सकेंगे? नाथ, आप अगर अंधे हैं तो क्या चिंता है, आप ही के शरीर से मेरा यह शरीर बना है। यदि वह शरीर जीर्ण हो गया है तो हो जाने दो, यह शरीर तो जीर्ण नहीं हुआ है। हाजिर है सब शरीर ये सेवा के वास्ते, बलिदान पुत्र है पिता माता के वास्ते। कंधे पे होगी कावरी और कावरी पे आप, ले जाऊंगा मैं इस तरह यात्रा के वास्ते। मैं भी मजदूरी करूंगी, बोझ उठाऊंगी, परंतु अपनी सास और अपने ससुर को सबसे पहले रसोई बनाकर खिलाऊंगी। ये सास ससुर हैं नहीं, मेरे सुगति हैं, स्वामी के भी स्वामी हैं, पति के भी पति हैं। अजी श्रवण जी, अजी ओ श्रवण जी, नमस्कार। अजी क्या अंधे हो बहरे हो? हम इतनी देर से खड़े हुए हैं, हमें कोई देखता तक नहीं, हमारी कोई सुनता तक नहीं। नंदा शंकर जी आइए आइए, कैसे पधारे, क्या आज्ञा है? आगे आओ, तुमसे कुछ कहना है। हम तुम्हारे विदेश से आए हुए मेहमान हैं और तुम हमारी बात तक नहीं पूछते, इतना अपमान। माता पिता कहीं भाग थोड़े ही जाएंगे, पहले हमसे बातें कर लो, पीछे उनकी सेवा करना। नहीं, माता पिता की सेवा पहले है और सब काम पीछे है। धन्य है महा उपदेशक जी, धन्य है तुम्हें और तुम्हारी अंधी भक्ति को। ये तुम्हारे सब कुछ है और हम तुम्हारे कोई नहीं। क्या हम तुम्हारे साले और तुम हमारे बहनों ही नहीं? बहन चल इस घर को छोड़ दे, हमें भी देखना है कि ये कितने ब्याह करेंगे। भाई मैं क्षमा चाहती हूँ, अपने सास ससुर की सेवा को त्याग करके अपने स्वामी का अपमान करा के मैं नहीं जाना चाहती हूँ। पति ही व्रत, पति ही सुगति, पति ही प्राण आधार, पति सेवा ही नारी का सदा मोक्ष का द्वार। खूब बहकाया है, खूब रंग चढ़ाया है। अच्छा अब देर मत कर, तेरी माँ बीमार है, इस कारण यहाँ से एकदम चल। बिना सास ससुर और स्वामी के आज्ञा के नहीं जा सकती हूँ। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं है, बालकपन में नारी का पितृग्रह में है धाम। युति होकर रहे वो निज स्वामी के पास, वृद्धावस्था में रहे शिशु सेवा में लीन, इन्हीं बंधनों में है बंधी नारी नहीं स्वाधीन। ठीक श्रवण जी, हम विद्या को यहाँ से ले जाना चाहते हैं, इसकी माता बहुत बीमार है, मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है, इसलिए हम इसे लिवाने आए हैं। नंद शंकर जी, आपकी माता मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है और आप उनकी सेवा छोड़कर यहाँ कैसे चले आए? आपको अपनी माता पिता की सेवा ऐसी अवस्था में नहीं छोड़नी थी, उनकी चिकित्सा करनी थी। माता को देखो बेटे पर वह कैसा लाड़ लड़ाती है, 9 मास गर्भ में रखती है फिर अपना दूध पिलाती है, खुद तो सोती है गिले में, सूखे पर उसे सुलाती है, मल मूत्र सदा धोती उसका, बलिहारी उस पर जाती है। ऐसी माता को त्यागे जो, वो खुद नरक का गामी है, वो पुत्र नहीं है कुपुत्र, कहलाता दूध हरामी है। सत्य है बेटा, सेवक सौ भी खो नहीं सकते हैं संताप, कुड़दीपक एक पुत्र से सुख पाते माँ बाप, पुत्र किया करता सदा सेवा और सम्मान, मर जाने पर पुत्र ही देता है जलदान। इस विवाद में क्या रखा है बेटी विद्या देवी, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तेरी माता यदि बीमार है तो जा उसे मिला। माता जी की जैसी आज्ञा। अच्छा अब तो आज्ञा मिल गई, तैयार हो जा, मैं सवारी का प्रबंध करने के लिए जाता हूँ। स्वामी आज्ञा चाहती हूँ, आपकी सेवा छोड़ने को जी तो नहीं चाहता,
परंतु माताजी की बीमारी के कारण लाचार हूँ, जाना चाहती हूँ। जाओ प्रिय, मैं प्रेम पूर्वक आज्ञा देता हूँ। तुम्हारी माता भी मेरी माता के समान है, उनकी और उनकी दोनों की सेवा करने में ही मेरा और तुम्हारा दोनों का कल्याण है। जाओ ना देर लगाओ, जाओ ना देर लगाओ। प्राणनाथ दासी तुम्हारी आज्ञा जाने की चाहे। मन है ये ठाकुर द्वारा पूजूंगी ये मुख प्यारा, मन है ये ठाकुर द्वारा पूजूंगी ये मुख प्यारा। मेरी सुख सरिता धारा, तुझसे मैं कभी ना न्यारा, तुझसे मैं कभी ना न्यारा। प्राणनाथ दासी तुम्हारी आज्ञा जाने की चाहे, हे प्राणनाथ दासी तुम्हारी आज्ञा जाने की चाहे। स्नेह से सलोनी सजनी आशीष देवे सब उनको, हाँ जाते हैं यात्रा करने को आशीष देवे सब उनको, सुफल हो वे सब काज, सुफल हो वे सब काज। स्नेह से सलोनी सजनी मिल मिल के साजे शुभ साज, श्रवण कुमार माता पिता को ले साथ। प्रतिपाल राज राजेंद्र श्री वशिष्ठ महाराज की जय हो। श्री उत्शांत वंदेव, ये दशरथ आपको नमस्कार करता है। जय हो राज राजेंद्र, पधारिए। शांतवन जी, ये वशिष्ठ भी आपसे भेंट करने के लिए उपस्थित है। अहो भाग्य, मैं श्री वशिष्ठ और राज राजेंद्र दशरथ दोनों आए हैं। निस्संदेह आज का दिन धन्य है। हाँ निस्संदेह आज का दिन धन्य है, बड़भागी भारत वर्ष है और धन्य ये पूरी अयोध्या है, जिस जगह पिता शांतवन सा और श्रवण कुमार सा बेटा है। सत्य है श्रवण कुमार, आप अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराइए। पालकी, रथ, हाथी, घोड़े, सिपाही, प्यादे और यात्रा में खर्च करने के वास्ते रुपए, मोहर आदि जिस वस्तु की आवश्यकता हो वह मेरे राज भंडार से लीजिए। ये संपूर्ण वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ आपको भेंट करने को मैं तैयार हूँ। राजेंद्र, माता पिता की सेवा के वास्ते भुजदंड ही मेरे हाथी है, मेरे हाथी सिपाही हैं, कंधा पालकी है, दोनों नेत्र घोड़े हैं तथा रोम रोम प्यादे हैं। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। श्रवण कुमार, दशरथ ठीक कह रहे हैं, परिश्रम जब बहुत होगा तो हिम्मत टूट जाएगी, शिथिल जब अंग हो जाएंगे कावड़ छूट जाएगी। गुरु महाराज,
सूरज चाहे आकाश से पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी भी चाहे शेष के मस्तक से खिसक जाए, दुनिया की सब बलाएं मेरे सर पे टूट जाए, कावर नहीं छूटेगी चाहे प्राण छूट जाए। पिताजी प्रस्थान का समय हो गया, आज्ञा हो तो ब्राह्मणों को बुलाया जाए और यात्रा सफल होने के हेतु आपके कर कमलों से कुछ दान पुण्य कराया जाए। तथास्तु। सेवक जाओ ब्राह्मणों को बुला ले आओ। जो आज्ञा। जय हो जय हो। हरिओम विष्णु विष्णु अद्यो नम परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य ब्रह्मणोन्नीशी श्वेत वाराह कल्पे वैवस्व मन्वंतरे षड्विंशति तमे युगे त्रेता युगे तृतीय चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे वर्तमान चक्रवर्ती संवत्सरे मासानां मासोत्तमे कार्तिक मासे शुक्लपक्षे द्वितीयायां च द्वारान्वितायां गर्गगोत्रोत्पन्न शांतवन गुप्तोऽहं तीर्थयात्रा सफलकामनया एतानि विविधानि पात्राणि वस्त्राभरणानि च यथा संख्यकान् ब्राह्मणान् यथा भागं विभज्य दास्ये। आज मैं माता पिता की यात्रा सफल होने के वास्ते अपना मकान बाग जेवर कपड़ा आदि सर्वस्व दान करता हूँ। बेटा सर्वस्व दान करना ठीक नहीं, हमारे लिए नहीं तो अपने लिए, अपने लिए नहीं तो अपनी स्त्री के लिए तो कुछ रख। माता जी आपकी कृपा से मुझे ये सब वस्तुएं तो फिर भी मिल जाएंगी, परंतु ऐसी घड़ी बारम्बार नहीं मिलेगी। जानी है पुराण और शास्त्र की कथा अनेक, जानी नाना भांति नई चातुरी दिखानी है, 64 कला जानी चतुर्दश विद्या जानी, पितृ भक्ति जानी न तो वृथा जिंदगानी है। कांवरे उठाई पाया उत्तम दिन हुई सुफल कमाई। तिम्बन की शोभा साई मेरे घर आई, तिम्बन की शोभा साई मेरे घर आई, पिता मेरे महाप्रभु, पिता मेरे महाप्रभु, माता महामाई। कांधे पर मात पिता की कांवरे उठाई पाया उत्तम दिन हुई सुफल कमाई। नाना तीर्थों की यात्रा होवे सुखदाई, नाना तीर्थों की यात्रा होवे सुखदाई, जन्म जन्म मांगूं मैं, जन्म जन्म मांगूं मैं यही सेवकाई। कांधे पर मात पिता की कांवरे उठाई पाया उत्तम दिन सुफल कमाई। कांधे पर मात पिता की कांवरे उठाई पाया उत्तम दिन सुफल कमाई। कांधे पर मात पिता कांवरे उठाई पाया उत्तम दिन सुफल कमाई। मैं तो जो तू कहती है वही मानने को तैयार हूँ। अच्छा तो तेरी सास
नंदू की माँ जब यहाँ आए तब तू उससे कहना कि सासू जी जरा नाच दिखाओ, हमें विश्वास है कि तेरे इतना कहने पर वो नाचने लग जाएगी, और जब वो नाचने लग जाएगी तो बड़ी बहार आएगी। बिजली, वो बिजली। अरे वो बिजली यहाँ क्या कर रही है? सखियों के साथ खेल रही हूँ माँ जी, क्या आज्ञा है? बेटी मुझे 5 रुपयों की जरूरत है, नंदू अभी तक परदेश से नहीं आया है, तू रुपए दे देती तो मैं बाजार से कुछ सामान ले आती। ला ला 5 रुपए दे दे। मैं कहाँ से दे दूँ, क्या तुमने मेरे पास थैली सौंप रखी थी जो उसमें से निकाल दूँ? वो जो कुछ भी कमा लाते हैं तुम्ही को तो दे जाते हैं। वाह, जोड़ने को तुम और खर्च करने को मैं, खूब रही। बेटी मेरे पास के रुपए आज निपट गए हैं, उधारी दे दे, नंदू जब आएगा तो तुझे तेरे रुपए दिलवा दूंगी। ला दे दे मेरी लाडली, दे दे। अच्छा तो एक शर्त पे रुपए मिलेंगे। वो शर्त? तुम्हें नाचना तो अच्छा आता है, जरा अपना नाच दिखा दो। अरे ये क्या कहा, बुढ़ापे में मेरी हंसी उड़ाती है, अरे ये लड़कियाँ क्या कहेंगी? कहेंगी क्या, इसमें बुराई क्या है, भले घर की तमाम बहू बेटियाँ अपने अपने घर में नाचा करती है। नंदू की माँ, हम सब बिजली ही की तरह तुम्हें अपनी बड़ी बूढ़ी समझती हैं, जी बहलाने के लिए ऐसा ही कहती हैं। तो क्या तुम सबकी यही इच्छा है? हाँ हम सबकी यही प्रार्थना है। अच्छा बाबा तो ले आओ घुंघरू, मैं नाचे देती हूँ। अब 500 रुपए क्या, अभी 25 रुपए भी दे दूंगी। ये मैं क्या देख रही हूँ, बहू सास को नचा रही है। माताजी, माताजी प्रणाम। ओहो बेटी विद्या देवी सुखी रहो, भला तुम बिना खबर भेजे अचानक कैसी चली आई? अकेली ही आई या किसी के साथ आई? भाई के साथ आई हूँ, यही तो बुला के लाए हैं। इन्होंने वहाँ कहा था कि माताजी बहुत बीमार हैं, मुंह देखना हो तो चलो, परंतु आप तो अच्छी हैं, अच्छी खासी माताजी को भाई तूने मृत्युशैया में पड़ी हुई क्यों बताया? क्यों नंद शंकर, ये झूठी बातें बनाना तुझमें कहाँ से आई है? नारायण नारायण, मेरा सतयुग किसी की संगत में बैठकर कलयुग हो गया। जाने दो माँ जी इन बातों को। नंदू भैया अब मैं तुमसे एक और बात कहती हूँ। वो क्या? वो ये कि तू पृथ्वी पर पृथ्वी का भार होकर जन्मा है। क्यों? अरे जिस माता ने तुझे 9 मास कोख में रखा, जिस माता ने पैदा होने के दिन से तेरा लालन पालन किया, उसी माता का मान इस स्त्री के ध्यान में पड़कर भूल गया। तेरी नालायक स्त्री तेरी माता को नचाती है और तुझसे शिक्षा भी नहीं दी जाती। सच कह रही है बेटी, ये घर का कुछ काम ना तो आप करता है ना उसे करने देता है। क्या कहूँ, लज्जा की बात है, जब भोजन जिमने बैठता है तो उसे भी अपने साथ जिमाया करता है। अरे अभागे, सृष्टि में प्रकृति और परमात्मा के समान उपकार करने वाले माता पिता है, माता पिता का दर्जा सबसे ज्यादा मान्य है। धन्य धन्य बेटी, ऐसा उत्तम ज्ञान तुझे किसने सिखाया? सती धर्म का संपूर्ण रहस्य मेरे स्वामी ने मुझे बताया है। गृहस्थी रूपी नदी पार करने के लिए स्त्री रूपी नौका को पुरुष रूपी चतुर नाविक मिलना चाहिए। नाविक नौका को जहाँ ले जाएगा वहीं तो वो जाएगी। हे, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ऐसा व्यतीत होता है मानो मेरे हृदय पट की काली माँ साफ करके मेरी आत्मा पर कोई प्रकाश डाल रहा है। विद्या विद्या, तुम साक्षात विद्या हो, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मात्र सेवा की महिमा मैंने अब तक नहीं जानी, इसका मुझे पश्चाताप है, मुझे क्षमा करना। माहमयी मैया मुझे क्षमा करना। कल्याण पुत्र कल्याण, तेरे साथ साथ आज मेरा भी कल्याण हुआ। महादेवी आपके महा उपदेश से आज मेरा भी जन्म सफल हो गया। आज से मैं अपने सास ससुर को शंकर और पार्वती समझूंगी तथा अपने पति को परमेश्वर का स्वरूप जानकर पूजूंगी। पिछले अपराधों की क्षमा चाहती हूँ। कल्याण मस्तो। माताजी, भाई बहन बिजली, अब मैं स्वामी की सेवा के लिए जाती हूँ, परंतु तुम आज से पति सेवा माता की सेवा करते रहना, ये मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। Thank you.
श्रवण कुमार। अभी आप राधेश्याम कथावाचक के लिखे संगीत नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। निर्देशक थे सोराब जी डी कोरावाला। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।